आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। बस पांच बार नमाज पढ़ो, फिर दो नमाज वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों को ठाके लाओ, जो भी पाप करने करो, घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, जन्नत में कैमरे, जन्नत में हुर्रम मिला रहा हूँ, ठेकारू पीड़ो क्यों बुला भाई, ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। सर मेरा नाम पठाई खान है, मैं धनाव का निवासी हूँ जी। क्यों आए हो आप यहाँ पर? सर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल चौटन से, कल तारीख से, पाँच तारीख से जो मुकदमा हुआ है ना बाबा रामदेव के बारे में, वो सब सरासर गलत है और मैंने नहीं किया था। मेरे को मेरे वकील थ्रू मंगाया गया था, कोई जिमी का मामला चल रहा है आज से 6-7 महीना पहले, कोई भी जिमी का मैटर चल रहा है ठीक है, भाइयों के साथ में उनके लिए मेरे मंगाया गया, उस थ्रू के तेरे को सेंड करना पड़ेगा। फिर मैं जो कोई पता नहीं था, वहाँ जब थाने पहुँचे तो सीआई साहब के पास ने मैंने रिपोर्ट देखी, तो रिपोर्ट देखने के बाद सीआई साहब को मैंने पूछा, सर ये रिपोर्ट कैसी, ये तो दूसरा केस है, ये तो रिपोर्ट गया है, तो कि ये आपको सुनाया ना नहीं वकील ने, मेरे को कोई बताया नहीं, तो इसलिए कि कोई बात नहीं है इसमें, कोई आपको तकलीफ वाली बात नहीं है। अरे भाई तकलीफ वाली बात नहीं है सर, मैं ये कोई मामला करना चाहता ना हूँ, धर्म में कोई पढ़ना चाहता नहीं हूँ ठीक है, मेरा परापुरी मेरे परिवार है वो भी मेरी अच्छी सोच रखता है, मैं अच्छी सोच रखने वाला बंदा हूँ और रूप सिंह वकील साहब राठौड़ का मैं आदमी हूँ, एंड वो मेरे पर्चे भी दे रही हैं ठीक है, वकील साहब का ये आदमी हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोला हूँ, नहीं बोलेगा, मेरी पेट रूप सिंह जी वकील राठौड़ साहब चौटन वाले भी देंगे ठीक है, उनके परिवार का मैं सदस्य हूँ ठीक है। इसलिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तारीख से बाबा रामदेव के बारे में जो खिलाफ रिपोर्ट आई है उसकी कोई कार्रवाई मैं करना चाहता नहीं हूँ, मेरे तरफ से कोई कराना चाहता नहीं हूँ। मेरे को साहब इलमदीन वकील ने फोन किया, चौटन मंगवाया गया करीबन कल सुबह 7 बजे मुझे फोन किया उठते ही, तो फिर मेरी गाड़ी लेके वहाँ से मैं चौटन गया था, वहाँ से फतेह खान जी की वहाँ शादी में गए थे, मैंने किया ये मेरा काम नहीं है, मैंने ना फाड़ दिया था, वो मैंने न्यूज पढ़ाया ना उनके बाद में, मैं ये मुकदमा दर्ज करना नहीं चाहता था, सीआई साहब को ना बोला, इन वकील साहब को ना बोला, तो भी मेरे नाम से इन्होंने करके ऑनलाइन कर दिया। मुझे जब 1-2:30 बजे तो मेरे मित्रों का फ़ोन आया, कोई गुजरात से भी आया, कोई मेरे वकील साहब के भतीजे का राठौर साहब का भी आया और मेरे भाई बंधु का सबका आया, यार ये तुमने क्या काम किया सर? मैंने कुछ काम नहीं किया, तो मैंने मोबाइल देखा तो इसमें समाचार चल रहे थे, तो सर ये मेरे को, तो मैं वकील साहब को सीधा फ़ोन लगाया रूप सिंह जी, मैं को सर ये मेरे बारे में और मेरे से कोई मतलब मेरे को मंगाया गया कि फ़ोन पे ये कह रहा कि भाई आपकी जिम्मी के मामले में कुछ सेंड करा रहे हैं, मेरे से 420 से ये दूसरे मुकदमे में अनपढ़ आदमी मेरे को फंसाने की कोशिश करी, तो कि कोई बात नहीं आप तो हमारे बंदे हो, आपको मैं जान पहचान रूप सिंह राठौर चौटन वाले दे सकता हूँ, तो मैं पठाई खान धनाऊ का हाले पोत्रा जो साहब रूप सिंह से पूछ ले मेरे बारे में जो भी है, मैं कैसा इंसान हूँ, क्या आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ ये सर कल के जो भी घटना हुई है इसके बारे में कोई भी हम नहीं, इसके बारे में कोई मैं मांग नहीं करना चाहता हूँ कि भाई इसकी कोई कार्रवाई की जाए। किसको ज्ञापन दे रहे हो? मैं कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, बाड़मेर कलेक्टर साहब को। किसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं चाह रहे हो? बाबा रामदेव जी की। और मैं ये चाहता हूँ हमारे चौटन एरिया विधानसभा में शांति और हिंदू मुसलमान की एकदम अच्छी भावना रहे और भाईचारा बना रहे, हम भी यहाँ शादी में एक दूसरे के आते हैं जाते हैं, यार आज किसी के दिल को ये ठोस पहुँची मेरे वजह से ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कोई बात नहीं मैंने ये कहा नहीं, मेरे को तो वकील थ्रू मंगाया गया था और सीआई साहब ने वकील साहब की सलाह से काम किया गया है चौटन से। Subscribe and press bell icon to get daily updates.